वेलकम एवरीवन। आज हम लोग आईएएस मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर के चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन आया हुआ था कि अंग्रेज किस कारण भारत से करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में ले गए थे। क्या वे वहाँ पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को परिरक्षित रखने में सफल रहे। तो इसके उत्तर की रूपरेखा सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद हम लोग पहले और इसमें जो प्रश्न का की पॉइंट है उसको पकड़ेंगे। चूंकि प्रश्न की मांग है यानी प्रश्न में दो बातों का उल्लेख हम लोगों को करना है। पहली बात, करारबद्ध श्रमिक क्यों उपनिवेशों में ले गए, ये पहले क्वेश्चन की मांग है। यानी इसमें दो क्वेश्चनों को हम लोगों को बताना है कि अंग्रेज जो थे करारबद्ध श्रमिक अन्य उपनिवेशों में क्यों ले गए, तथा दूसरा हमको बताना है क्या वे श्रमिक अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाने में सफल रहे कि नहीं रहे। यानी जो उपनिवेशों में अंग्रेजों द्वारा यहाँ से श्रमिक ले गए, क्या वो अपनी सांस्कृतिक पहचान आज बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए हैं, उसकी हमको व्याख्या करनी है। इस प्रश्न में दो चीज़ों को बताना है। तो जैसे जानते हैं कि हर प्रश्न के एक भूमिका होती है, एक कंक्लूजन पॉइंट होता है और एक निष्कर्ष हमको लिखना होता है। तो इस प्रश्न में भी हम लोग इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भूमिका लिखेंगे यानी प्रस्तावना लिखेंगे। तो प्रस्तावना में हम लोग क्या देंगे, जैसे हम जानते हैं कि ये इसको जोड़ना हमको कि क्यों ले गए यहाँ से मजदूर। तो हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद अंग्रेजों को क्या किए, बहुत ज़्यादा उपनिवेशों की स्थापना करते हैं और उन उपनिवेशों में कार्य करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी। और इन मजदूरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों ने अनेक देशों से श्रमिकों को ले गए। उसी में भारत से भी श्रमिकों को अन्य उपनिवेशों में ले गए। लेकिन एक हमारी यहाँ समस्या उत्पन्न होती है कि अगर अफ्रीका में यहाँ के उपनिवेश क्यों ले गए, क्योंकि हम देखते हैं कि अफ्रीका में कबीलाई संस्कृति थी और कबीलाई संस्कृति में वहाँ के जो लोग थे उनसे कार्य कराना आसान नहीं था, यानी उनसे करार नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो भारत की स्थिति थी, यहाँ पे मजदूरों की अलग स्थिति थी, इसलिए यहाँ के मजदूरों को अंग्रेज़ों ने प्राथमिकता दी और यहाँ से करारबद्ध करके यानी उनसे कागज़ पर अंगूठा लगा के वो अपने उपनिवेशों में लेके चले। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान दें कि उपनिवेशों में तो ज़रूर लेके गए लेकिन वो लोग वापस फिर नहीं आ पाए, क्योंकि 4-5 सालों के लिए वो उपनिवेशों में यहाँ से व्यक्तियों को ले जाते थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद बस उनको खाने पीने और पहनने का भी सामान मिलता था, उससे अधिक उनके पास पूंजी नहीं बचती थी, जिसके कारण वो फिर वापस फिर भारत नहीं आ पाए और वहीं बस गए। इन चीज़ों को हमको प्रस्तावना में दिखाना है। उसके बाद प्रश्न की पहली मांग है कि वो करबस श्रमिकों को क्यों ले गए, उसको हम लोग दिखाएंगे। और लास्ट में वो अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने में सफल रहे कि नहीं रहे, उसको हम लोग बताते हुए निष्कर्ष लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में लिखते हैं कैसे प्रस्तावना लिखेंगे, क्योंकि कम शब्दों में हमको समेटना है। तो प्रस्तावना हम लोग लिखेंगे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता ने उपनिवेशवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। एशिया अफ्रीका से तमाम देशों में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। इन देशों में बागानी, खेती, कृषि, खनन इत्यादि जैसी गतिविधियों में कार्य करने के लिए बड़ी संख्या में करारबद्ध मजदूर को भारत से ले जाया गया। ये हमारी प्रस्तावना हो गई। उसके बाद इन करारबद्ध श्रमिकों को जो ले गया गया है एक एक करके व्याख्या करेंगे, क्योंकि आधा जो प्रश्न का भाग है ये यही है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि भारतीय श्रमिकों को ले जाने का
कारण क्या था। हेडिंग नहीं डालना आप लोगों को, बस मैंने ये समझाने के लिए हेडिंग दिया है। आप लोगों को पैराग्राफ चेंज कर देना है और पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। तो समझने के लिए मैंने हेडिंग डाला है कि भारतीय श्रमिकों को ले जाने का कारण बगानों में खेती के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण वहाँ पे क्या होगी कि कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कच्चे माल की प्राप्ति आवश्यक हो गई थी और कच्चा माल इन्हीं उपनिवेशों से प्राप्त किया जाना जरूरी था और इन्हीं कच्चे मालों के लिए उत्पादन के लिए उन्होंने क्या किया बगानों में काम करने के लिए इन करारबद्ध मजदूरों को भारत से लेके गए। मैंने पहले ही बता दिया कि अन्य उपनिवेशों से कम गए क्योंकि कहा कि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग थी। तो बगानों में कार्य करने के लिए यहाँ से क्या किया गया था कि मजदूरों को करारबद्ध मजदूरों को ले जाया गया, पहला कारण था। दूसरा, खनन कारणों के लिए, चूंकि औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसमें कच्चे माल के रूप में लोहा, सोना या अन्य जो धातु थे उनकी आवश्यकता थी, मशीनीकरण के लिए आवश्यकता थी, जो कि खनन कार्य था उसमें उस समय मजदूरों से कराया जाता था और इन खनन कार्यों के लिए उन्होंने करारबद्ध मजदूरों को यहाँ से लेके गए। तीसरा कारण था कि जो अंग्रेज वहाँ गए थे उनके घरेलू कार्यों में सहयोग के लिए भी घरेलू नौकरों की जरूरत थी क्योंकि जो अधिकारी गए थे उनके घर के कार्यों को आखिर कौन करेगा, इसलिए वहाँ से करारबद्ध मजदूरों को लेके जाया गया। साथ ही जो अंग्रेज अन्य उपनिवेशों में थे वो अपनी व्यक्तिगत व्यापारिक गतिविधियाँ भी करते थे, इन व्यापारिक गतिविधियों के सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थान पे ले जाने के लिए क्या हुआ था कि इनको मजदूरों की जरूरत थी और इन मजदूरों की जरूरतों को पूरा वो अन्य उपनिवेशों से करारबद्ध मजदूरों को अपने उपनिवेश में ले जाते थे। इस प्रकार घरेलू कार्यों के लिए वो इन करारबद्ध मजदूरों को यहाँ से लेके गए। साथ ही उस समय महिलाओं को भी लेके जाया गया करारबद्ध मजदूरी के रूप में और मुख्य रूप से महिलाओं को शारीरिक शोषण के रूप में लेके जाया गया, यानी उनका वहाँ पे शारीरिक शोषण किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्यों करारबद्ध मजदूरों को ले जाया गया, दासों से क्यों नहीं कार्य कराया गया। ये बात आपके मन में स्वाभाविक से उत्पन्न होनी चाहिए कि दासों से क्यों नहीं काम कराया गया। तो इसका उत्तर है कि 1834 में ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा उन्मूलन की घोषणा की गई, यानी 1834 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। अतः अब यह था कि किसी भी उपनिवेश में दासों से कार्य नहीं कराया जाएगा। अतः अब अंग्रेजों को करारबद्ध मजदूर ही एक रास्ता था। करारबद्ध मजदूर एक तरह के दासी समझ लीजिए, क्योंकि करारबद्ध करने के बाद उस समय जो यहाँ के लोग थे वह अनपढ़ थे और करार में 4-5 सालों का करार किया जाता था और कागज़ पे अंगूठा लगवा लिया जाता था और दूसरे उपनिवेशों में उनको लेके पटक दिया जाता था जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाए। एक तरह के दास थे लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया के तहत इनको करारबद्ध मजदूर कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश संसद में उस समय ये कानून 1834 में ये कानून पारित कर दिया गया, यानी दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था। इसलिए यह जरूरी हो गया था कि दासों को न बदले करारबद्ध मजदूरों को लेके जाया जाएगा। और ये चीज़ें आपको उल्लेख करनी है क्यों लेके जाया गया, खासकर 1834 का अधिनियम, इसको उल्लेख करने के बाद हम लोग ये पहला पाठ हुआ। दूसरा पाठ पूछ रहा है कि क्या वे संस्कृति को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सफल हुए या नहीं हुए, तो इन चीज़ों को हमको दिखाना है। तो सबसे पहले वास्तव में वो अपने सांस्कृतिक पहचान को बनाने में सफल रहे और इसको किस रूपों में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि इंडोनेशिया हो गया, मॉरिशस हो गया, कनाडा हो गया, फिजी हो गया, आज भी बहुत से भारतीय वहाँ पे बसे हुए हैं तथा भारतीय संस्कृति कला परंपराओं को आज भी जीवट किए हुए हैं। लेकिन ये है कि उस पर वैश्वीकरण का प्रभाव जरूर हुआ है, लेकिन उसको समेटे हुए भी भारतीय संस्कृति तथा कला की पहचान विश्व में अनेक देशों में देखी जा सकती है।
तो इसको हम लोग कैसे शब्दों में बांधेंगे तीसरे पार्ट, तो हम लोग चलते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, मजदूरों के रूप में गए ये भारतीय विभिन्न देशों में आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखे हैं, यद्यपि वैश्वीकरण के प्रभाव ने एक समन्वित संस्कृति को भी जन्म दिया है जिसे खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि क्षेत्रों में देखा जा सकता है, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूल अभी भी इन देशों में जीवंत बने हुए हैं। इतना लिखने के बाद हम लोग एक एक देशों में जो भारतीय संस्कृति जो बनी हुई है उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडोनेशिया पे चलेंगे, देखेंगे इंडोनेशिया में, चूँकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है जिसके बाली द्वीप में हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत की हिंदू सभ्यता यहाँ जीवंत रूप में देखी जा सकती है। इंडोनेशियन एयरलाइंस का लोगो गरुड़ पक्षी है जो कि हिंदू पहचान है, ये हमारा गुप्त काल में एक उनका ये प्रतीक था गरुड़ पक्षी। तो वहीं यहाँ के नोटों पर गणेश जी की फोटो छपी हुई है, एक महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ के नोटों पर आज भी मुस्लिम देश होते हुए गणेश जी का फोटो नोटों पर है, तथा वहाँ के एयरलाइंस का लोगो गरुड़ पक्षी है। यहाँ की रामलीला भी काफ़ी प्रसिद्ध है, एक चीज़ आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया में आज भी रामलीला की जाती है, भगवान राम मूर्तियाँ मंदिर आदि इंडोनेशिया को भारत की संस्कृति से कहीं ना कहीं जोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार इंडोनेशिया में तीन चीज़ें हैं, एक तो रामलीला वहाँ पर मनाई जाती है, वहाँ का जो एयरलाइंस है वहाँ का लोगो गरुड़ पक्षी है, तथा वहाँ के मुद्रा पे क्या है, गणेश जी का फोटो है, और हम देखते हैं कि वहाँ पे बाली जो द्वीप है वहाँ हिंदू बहुसंख्यक मात्रा में हैं। इतना बताने के बाद हम लोग मॉरिशस देश पे चलेंगे, तो मॉरिशस में जानते हैं कि मॉरिशस बहुत सारी भोजपुरी, वहाँ पे आप जाएंगे तो फिल्मों का प्रचलन है और बहुत वहाँ पे भोजपुरी एक तरह से समझिए कि रची बसी हुई है, वहाँ अलग आप महसूस नहीं, क्योंकि बिहारी लोग वहाँ पे गए और वहाँ के प्रमुख पद पर भी पहुँचे हैं। तो मॉरिशस में क्या लिखेंगे, इसी तरह मॉरिशस में भी भारतीय संस्कृति पूरी तरह से मूर्तमान देखी जा सकती है, रामायण की अनुगुंज आज भी यहाँ भारतीयों की आस्था का जबरदस्त सेतु है, यानी यहाँ भी रामायण के पाठ होते हैं। भारत में निर्मित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों का एक बड़ा वर्ग मॉरिशस में है, यहाँ भारतीय विषयों पर सिनेमाघरों, दुकानों, बसों आदि के नाम रखे गए हैं। इस प्रकार हम मॉरिशस में देखेंगे कि एक हिंदू परंपरा जो है वहाँ पे एक रची बसी है, यानी वहाँ के लोगों ने यहाँ से जाने के बाद भी इनको अपनी सांस्कृतिक परंपराएं को बनाए रखा, तो दो जगह देखा इंडोनेशिया और मॉरिशस में हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम फिजी भी एक ऐसा देश है जहाँ भारतीय मूल के नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री तक पहुँचे हैं, यानी फिजी में एक सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री होता है, मतलब कि वहाँ तक पहुँचे थे। यहाँ भारतीय त्योहारों जैसे दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है, यहाँ भारतीय घरों में आरती और हनुमान चालीसा के पाठ आमतौर पर सुने जा सकते हैं, यानी आप फिजी में जाएंगे तो वहाँ हनुमान चालीसा की सुबह आरती होती है और हनुमान चालीसा के पाठ आप सुनने को मिल जाएगा फिजी में। वहीं मॉरिशस में देखेंगे तो भोजपुरी गाने, हिंदी गाने बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, साथ ही धार्मिक मान्यताएँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। हर जगह हम एक चीज़ देख रहे हैं, जुड़ाव है रामायण से, जुड़ाव है यानी हनुमान जी और राम से जुड़ाव हर जगह आप लोगों को देखने को मिलता है। वहीं अगला है देश हमारा कनाडा। कनाडा में मुख्य रूप से यहाँ से पंजाबी समृद्ध लोग वहाँ से गए थे और पंजाबी संस्कृति वहाँ पर हमको देखने को मिलती है, तो हम लोग पंजाबी वहाँ कनाडा के बारे में देख लेते हैं। कनाडा जैसे देशों में भी भारतीय संस्कृति के दर्शन देखने को मिल जाते हैं, मक्के की रोटी और सरसों के साथ तथा मीठी लस्सी से वहाँ के लोग उतने ही परिचित हैं जितना कि भांगड़ा और गिद्धे से नाच से। वैंकूवर जो कि एक कनाडा का देश है के अकाली सिख टेम्पल में हर 30 त्योहारों को मनाया जाता है। इसी तरह अफ्रीकी देशों तथा अन्य उपनिवेशों में भी भारतीय संस्कृति की दलक झलक देखी जा सकती है। इन उदाहरणों के द्वारा हमने ये बताने का प्रयास किया कि जो यहाँ से मजदूर गए थे, करारबद्ध मजदूर जो गए थे, उन्होंने किस प्रकार अपनी संस्कृति को बनाए रखा। वैश्वीकरण का प्रभाव ज़रूर रहा उन पर, थोड़ा बहुत बदलाव के साथ इन्होंने उसको बनाए रखा
है। इसे यह हमारे दोनों प्रश्नों की जो मांग है, दोनों प्रश्न को हम लोगों ने एक व्याख्यात्मक रूप से शॉर्ट नोट के रूप में लिखने का प्रयास किया। ये नहीं है कि मेरे उत्तर पूर्ण है, हर आदमी में कमी होती है। अगर आपको कहीं से अलग कंटेंट भी मिलता हो तो इसमें आप लोग जोड़ के इस उत्तर को अच्छा बना सकते हैं। अब हम लोग इस पे निष्कर्ष पहुंचेंगे, क्योंकि निष्कर्ष हर प्रश्न की जो प्रश्न होता है उसके उत्तर लिखने का कंक्लूजन जो होता है जरूर देना होता है, क्योंकि एग्जामिनर कंक्लूजन देख के ही बहुत बार उत्तर हमको दे देता है। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे इसको हम निष्कर्ष में एक लाइन में बांधने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग लिखें, इस तरह उपयुक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक वैश्वीकरण के इस दौर में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी जिन देशों में अंग्रेजों द्वारा मजदूरों के रूप में भारतीयों को ले जाया गया, वहाँ वे अपनी संस्कृति को परिरक्षित रखने में काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग इस उत्तर को समाप्त करेंगे। अब हम अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन को देखेंगे।